विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने कुछ मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम से खारिज कर दिया है। इन महिलाओं ने उर्दू में रचित श्री राम की आरती करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद अक्सर अपने विवादित फैसलों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। दो दिन पहले ही इसने मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट नहीं करने का फतवा जारी किया था। अब दारुल उलूम ने कुछ महिलाओं को इस्लाम से खारिज कर दिया है। इन महिलाओं ने वाराणसी में दीपावली के दिन भगवान राम की आरती की थी, जिसको दारुल उलूम गुनाह मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी थी और उनके चित्र के समक्ष दीप जलाकर पूजा भी की थी। इस पर दारुल उलूम जकरिया के वरिष्ठ उस्ताद मुफ्ती अरशद फारूकी समेत अन्य उलेमा ने कहा है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकता है। इन्होंने फरमान दिया है कि महिलाएं अपनी गलती मानकर दोबारा कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हों। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कुछ महिलाओं ने राम नवमी पर भी भगवान राम के चित्र की आरती उतारी थी।